हमारी अभिलाषा है कि आप सदैव हमारे साथ यहीं रहें। वैसे भी इस नैमिषारण्य से अच्छा स्थान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। ऋषिवर, जहां भी भगवान या उनके सच्चे ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष की निश्रा है, वैसा हर एक स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के समान ही है। विरक्तो अपरमात्मनि। प्रभु, मेरी समझ में आए उस तरह से बताइए, कहां से यात्रा आरंभ की, किन किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थिति से पावन किया, कहां ठहरे? मैंने आषाढ़ मास में अयोध्या से सरयू पार की और अमरापुर आया। हिंडोला के दिन नारद वन में बिताए और पवित्र एकादशी हरिद्वार में की। तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण मंदिर में उपवित परिवर्तन किया। गणेश चतुर्थी श्रीनगर में, ऋषि पंचमी उद्धव वन में और जल झिल्ली एकादशी एवं वामन द्वादशी गुप्त काशी में की। त्रियुगी नारायण में पूर्णिमा करके श्राद्ध पक्ष मैंने गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया और नवरात्रि के आरंभ में केदारनाथ से चलकर पहाड़ों को पार करके आज नवरात्रि के नवमें दिन यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। खेलने कूदने की उम्र में इतने कष्ट, ऐसी तपश्चर्या, इतनी कठिन यात्रा किस लिए? मेरी यात्रा कल्याण के लिए है।